शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, इनवीसीएन में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के पार्श्वभूमि की एक जिंदगी की आदत सी बन चुकी है, लेकिन इन आदतों में हमारे खान पान की व्यवस्था का क्या, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि यहीं से जो है हमारी सेहत का जो है राज खुलते जाता है और यहीं से हम हमारी आगे वाली आने वाली जीवनी हम कैसे रखेंगे इस पर भी हमको सोचना बड़ा अनिवार्य हो सकता है। तो ये हमारे जीवनी में सबसे अहम जो किरदार काम करता है उसे कहते हैं कैलोरीज। तो ये कैलोरीज मैनेजमेंट क्या होता है, ये हम सबके लिए समझना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जब हम लॉकडाउन की स्थिति में घर में फंसे हुए हैं तो सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो खाने पर हो रहे हैं, जो हमारे मन में आ रहा है हम बनाते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। लेकिन इन सब विषय पर अगर हम किसी तज्ञ से अगर इस पर बात करें तो कुछ और बेहद रोचक जानकारी हमारे बीच में आ सकती है। तो ऐसी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भारती चकोले काटेखा। इनका मैं सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। और इनके बारे में बता दूं कि मैडम एचओडी हैं एसएन मोर कॉलेज, आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज और जीडी सराफ कॉलेज ऑफ साइंस तुमसर में आप एचओडी हैं। होम इकोनॉमिक्स आपका चहेता सब्जेक्ट रहा है, आपने पीएचडी भी की हुई है और इसके अलावा राष्ट्र संत तुकड़ो जी महाराज के कई कमिटीज पर भी आप विराजमान हैं। भारती जी, सबसे पहले तो हम जो आपने जर्नी आपकी और हमारी जो बात हुई थी इसके विषय में हम आपकी जो जर्नी है जो आज तक आपने किया अपने लाइफ में हम उसके बारे में हमारे दर्शकों को हम चाहेंगे कि आप अपना जो जर्नी है हमारे दर्शकों के साथ में साझा करें। जी, ऐसा है, इस विषय में आपको मींस ये जानना है कि मेरे जॉब को कितने साल हुए। ये आपने जो आपकी जो कारकिर्द रही है, आपकी जो रुचियां रही हैं, कैसे आप इस मुकाम इस विषय में हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया जी 94 में और तुरंत हम इस जॉब में लग गए 96 में जी। तो उसके बाद जॉब में आने से पहले इतना ये नहीं था, कैजुअल ऐसे जॉब मिल गया तो चलता गया ये सफ़र। बाद में तुरंत हमने 97 में MBA किया, पर उसके ऊपर भी हमने उस जॉब किया सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी में, पर फिर भी हमारे पिताजी एक टीचर लाइन में होने की वजह से उनकी रुचि थी कि ये लाइन लेडीज के लिए बहुत अच्छी है, छुट्टियाँ अच्छी, फैमिली लाइफ जी सकते हैं इसमें जो कि इंडस्ट्रियल इसमें होने से बेहतर लाइफ इसमें है लेडीज़ के लिए। घर संभाल के लेडीज़ अपना कार्य क्षेत्र भी संभाल सकती है, ये उनका गाइडेंस था। और वो ओल्ड इसमें हम लोग उनके इस पे संस्कारों पे जो कहा उस पे खुद के ऐसे विचार पे हम लोग नहीं जाते थे, स्वयं के विचार एकदम से ये नहीं होते थे। मतलब आपके पिता ने आपको बहुत अच्छे गाइडलाइन दी और उसी के राह पर चलते हुए आज आप इस मुकाम तक पहुंची हैं। जी, MBA करके भी हमने वो 2 महीने में वो जॉब छोड़ दिया क्योंकि वहाँ काफी देखा था, काफी स्ट्रगल है। और नहीं तो MBA के बेस पर हम अच्छे अभी तक बहुत टॉप पोस्ट पे पहुंच जाते थे, ये भी पता है। डॉक्टर, हम हमारा मुख्य मुद्दा जो है आज की बातों का वो है कैलोरीज मैनेजमेंट। तो ये कैलोरीज के बारे में हमें कुछ प्राथमिक जानकारी आप क्या देंगी? कैलोरी का क्या रिलेशन है ये लॉकडाउन के पीरियड में? मींस क्या है, अभी सब लोग हम लोग घर में हैं, ड्यूटी पे भी जाना नहीं हो रहा है, हमारे ऑफिसेज बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, बाहर के काम भी उसके ऊपर भी एक लिमिटेशन आया हुआ है। और जैसे कि जिम, वॉक, ये सब इस पे बंधन आ चुके हैं, सारे रिस्ट्रिक्शन, सारे मूवमेंट ही रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। यस यस। सो क्या होता है कि हम लोग घर में रह रहे हैं, थोड़ा टाइम पास भी करना है और घर में रह के काम कम होने की वजह से बहुत सारा मन खाने में भी जाता है कि ये डिशेज होना हमको, वो डिशेज होना। घर में बच्चे हैं 24 घंटे, उनकी फरमाइश अलग है। तो इस विषय में क्या हो जा रहा है कि खाने में ज्यादा कैलोरीज जा रही है जी, बट नेचुरली, क्योंकि आदमी जब बाहर निकलता है ऑफिस के काम में मग्न रहता है कम से कम 8-10 घंटा या ट्रैवल में मग्न रहता है तो उसको खान पान का उतना अट्रैक्शन नहीं रहता है। अभी 24 घंटे हम घर में हैं तो जरूरी ये तो नेचुरल मुख्य मुद्दा जो है सिर्फ खाने पर कॉन्सेंट्रेट हुआ, फोकस उस पर हो रहा है। आपने कहा कि कैलोरीज जो है वो ज्यादा जा रही है, मतलब बट ऑब्वियस है कि हम ज्यादा खा रहे हैं तो उस प्रमाण में ज्यादा कैलोरीज जा रही होगी जी। तो एक मनुष्य को
कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है? ऐसा है कि कैलोरीज की आवश्यकता ये हमारे काम के ऊपर डिपेंड रहती है। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। हर व्यक्ति की अलग रिक्वायरमेंट है जी। हर जैसे लेडी जेंट्स इसके अनुसार कैलोरी की आवश्यकता बदली जाती है जी। उसकी एज ओल्ड एज है तो नेचुरली ऑब्वियसली कम कैलोरीज लगेगी, बच्चों के चाइल्डहुड में भी कम लगेगी, पर जब किड्स बड़े होते हैं तरुणावस्था में उनकी कैलोरीज की डिमांड बढ़ती है क्योंकि उनके शरीर का वाढ़ विकास होता रहता है। और उसके बावजूद हवामान उष्ण तापमान उष्ण जैसे समर में हमारे कैलोरीज की डिमांड ये कम होती है क्योंकि मतलब जैसे जैसे एटमॉस्फेयर बढ़ेगा बदलेगा वैसे वैसे कैलोरीज की डिमांड जो है ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, कम ज्यादा होती रहती है। तो अभी नेचुरल वे में लेडीज को एक साधारण लेडीज जो है कि बहुत कम काम कर रही है या नॉर्मल काम कर रही है घर में, एक गृहिणी की हम बात कर रहे हैं, गृहिणी की एडल्ट गृहिणी जी जी हाँ, तो उनको 1900 कैलोरी की जरूरत होती है और उसी कंडीशन का पुरुष है उसको 2400 कैलोरी की जरूरत होती है। क्योंकि इसमें एक मुद्दा ये भी है कि लेडीज से ज्यादा जेंट्स को कैलोरी की ज्यादा जरूरत होती है। अब मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये जरूरत क्यों होती है, चाहे हम महिला कहें या पुरुष कहें, तो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट जो है हमारे लाइफ में क्यों होती है? कैलोरीज देखिए, सबसे पहले हम आपको समझाना चाहते हैं कि कैलोरीज क्या है जी। कैलोरीज यानी जैसे हम कोई भी लिक्विड जो फॉर्म का जो पदार्थ होता है खाद्य हाँ। पदार्थ या जो भी है वो हम लीटर में गिनते हैं जी। और घन पदार्थ जो है हम किलो में गिनते हैं। वैसे ही हमारे पेट में जो भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ हम अपने खाने में आहार में लेते हैं उस चीज को हम कैलोरी के स्वरूप में गिनते हैं। तो कैलोरी के इसमें बताने लायक यही एक नॉर्मल बात है कि आपको पहले समझना जरूरी कैलोरी क्या है। तो ये कैलोरीज है हम जो भी खाते हैं दवा और पानी के अलावा जो भी हमारे पेट में जो फूड जाता है उसे हम उसको गिनने का माध्यम कैलोरी होती है। ये जो कैलोरी है हम एक आम सुनते आ रहे कि कैलोरीज बर्न्ड होती है कैलोरीज बर्न्ड होती है, मतलब ये कैलोरी का ज्वलन मूल्य जो है जी वो एग्जैक्टली क्या टर्म्स है? वो ऐसा है कि कैलोरी जब हम लेते हैं अपने बॉडी में तो उसका एक ज्वलन मूल्य होता है जी। हमारे बेसिक फूड 6 है, फर्स्ट थिंग प्रोटीन है, सेकंड कार्बोहाइड्रेट्स है, थर्ड फैट्स है, फोर्थ विटामिन है एंड फिफ्थ मिनरल एंड 6th वाटर पानी। तो इसमें से जो पहले तीन घटक है जो खाद्य घटक है जो न्यूट्रिएंट्स है इनको कैलोरी मूल्य होता है जी। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, बाकी के जो तीन है हम जो लेते हैं फलों के रूप में मिनरल विटामिन उसको कैलोरी मूल्य नहीं है, बस वो हमारे बॉडी को शरीर संरक्षक का काम करते हैं, हमारी बॉडी को अच्छा मेंटेन रखने का काम करते हैं। तो प्रोटीन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका कैलोरी मूल्य क्या है। 1 ग्राम हम प्रोटीन अपने शरीर में ले रहे हैं तो उससे हमको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, उष्णता मिलती है हमारे बॉडी को। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे उससे भी हमको 4 कैलोरीज मिलती है। 1 ग्राम स्निग्ध पदार्थ यानी फैट्स ले रहे तो उससे हमको 9 कैलोरी उष्णता मिलती है। ये इस तरीके से हमारा ये कैलोरी मूल्य होता है, मतलब ये कहीं ना कहीं इसका एक मैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं ये एक साइंस है, इसके पीछे भी एक कुछ ना कुछ एक स्टडी है जिसका हम सभी ने ध्यान रखना जरूरी। जब भी हम कम खाते हैं ज्यादा खाते हैं तो इसके हम कई बार बोलते हैं कि यार मेरे खाने में कुछ ये हो गया तो गड़बड़ी हो गई, तो शायद यही फैक्टर्स है जो ऐसा एफेक्ट करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो फिर इस अगर ऐसा है तो फिर इस कैलोरीज को हम बैलेंस कैसे करें? देखिए कैलोरी बैलेंस एक अलग थिंग है जी, कैसे और कैलोरी मैनेजमेंट एक अलग दोनों अलग है। स्मॉल थोड़ा सा फर्क है उसमें, छोटा सा, कि कैलोरी बैलेंस यानी कैसे करते हैं। जैसे हमको एक लेडी का एक एग्जांपल लेते हैं हम जी, कि उसको 1900 कैलोरी लग रही है परंतु उसके काम के अनुसार उससे वो ज्यादा हार्ड वर्कर है और उसका काम का
स्वरूप बदलता है, नेचर बदलता है, हार्ड वर्क कर रही तो उसको 300 कैलोरी प्लस करना पड़ेगा जी। फिर से वो बहुत अति मेहनत का काम कर रही है, फिर से उसको 300 कैलोरी प्लस करनी है। ये प्रोपोर्शन है और जेंट्स और लेडीज के विषय में भी सेम रहेगा। जैसे लेडीज को हमने 300 किया, जेंट्स को भी 300 करना है, प्लस करना है हमें। और गर्भावस्था और जो लैक्टेटिंग वुमन है उनको 1000 कैलोरी लगेगी। लैक्टेटिंग वुमन मतलब जो बच्चों ब्रेस्ट फीडिंग जो कर रही है यस, वो हाँ। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, लैक्टेशन पीरियड मतलब वो महिलाएं जो गर्भावस्था के पश्चात जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उन महिलाओं के लिए। तो उसके लिए हमको 700 करनी है और गर्भावस्था में प्रेगनेंसी में 300 करनी है। और जब हम लैक्टेटिंग इसमें हमको 700 कैलोरीज बढ़ानी है, नॉर्मल कैलोरी से 700 बढ़ानी है। दर्शकों के लिए या कुछ दर्शकों के लिए ये हो सकता है विषय थोड़ा सा हटके, लेकिन ये हमारे लिए बहुत अत्यंत आवश्यक विषय हो जाता है क्योंकि इस पर ध्यान रख के ही हम अपनी सेहत का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं। कहीं ना कहीं इस पर स्टडी करना और इसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी हो जाता है। ये हुए कैलोरी बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा इस विषय में और बोलना चाहती हूं कि कैलोरी बैलेंस है ना, जैसे कि हमने 1900 हमको लग रही है, पर कभी ऐसा होता है कि हम बाहर जाते हैं या खाना बहुत अच्छा बन जाता है या बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखी और बहुत इच्छा, शरीर की भूख भी कभी कभी बढ़ जाती है नेचुरल वे में सामने के पदार्थ देखकर। तो उस समय हम जैसे हेवी खाना खा रहे हैं, कैलोरी बैलेंस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि नॉन वेज खा रहे हैं हम लोग, सपोज चीज बर्गर ऐसे या पिज्जा ऐसे आइटम, ये ज्यादा कैलोरी के होते हैं। हाँ, ये बहुत ज्यादा कैलोरी के होते हैं नॉर्मल वे से। तो ये सपोज हम खा रहे हैं तो हम लोग हमेशा बंधन नहीं कर सकते कि हमको खाना ही नहीं या खाने, वंस वाइल हम खा रहे हैं तो बैलेंस कैसे करना है। 1900 में से तो हमने 1200 कैलोरी सुबह ही ले लिए, बाकी बची शाम के लिए, तो शाम को हम सलाद और इससे उसको उसकी जो भरपाई है कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। हाँ, कॉम्पेंसेट कर सकते हैं उसको, कम कर सकते हैं, कम कैलोरीज का खाना शाम को लेना, सुबह ले लिए ना उसको बैलेंस करना है। और मैनेजमेंट ये चीज है कि हमको समझो 1900 कैलोरी लग रही है, मैं एक लेडीज हूँ तो मैं लेडीज के हिसाब से आपको बताना चाहूंगी कि 1900 लग रही है तो मैनेजमेंट कैसे करना है, कि हमको मैनेजमेंट क्यों करना है। सबसे पहला विषय तो ये कि हमारा वेट बैलेंस रहना चाहिए, हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलने चाहिए, इसीलिए हमको इसका मैनेजमेंट। तो कैसे कर सकेंगे मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट भी ये है, सपोज मेरा वेट मुझे कम करना है तो एक अलग टाइप का मैनेजमेंट रहेगा। यानी नॉर्मल वे में मुझे 1900 कैलोरी मैं ले रही हूँ तो मैंने मेरी कैलोरी वेट कम करने के लिए 1500 करनी है। यदि मुझे मेरा वेट कम नहीं करना है, बैलेंस रखना है, जितना है उतना ही मेंटेन रखना है, तो हमको 1900 कैलोरी लेना है। और मुझे वेट बढ़ाना है, मैं बहुत दुबली पतली हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल के लिए, मैं तो नहीं हूँ तो आप खुद कैलोरी मैनेजमेंट जानते हैं तो आपको पता है कि आपको अपने लिए क्या किस प्रकार की कैलोरीज का यूज करना चाहिए। जी, तो हमने कैलोरी बढ़ानी है 1900 से आगे बढ़ाना है, 2023 से ऐसा चले जाएगा क्योंकि हमको वेट गेन करना है। तो मैनेजमेंट ऐसा है, 1900 का मैनेजमेंट हम लेते हैं कैसे, कि हम मॉर्निंग में जगते हैं, उसके बाद हमको तो इंडियन ये है कि हमको चाय होना है तो सपोज उसमें हमको 1900 को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए एक स्टैंडर्ड वे में, कि 100 कैलोरी चाय में चली गई, उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट करना है 9 o'clock के करीब करीब, तो उसमें हमने ज़्यादा कैलोरीज नहीं लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं लेने चाहिए। मैनेजमेंट हाँ, आपको भी एक्सपीरियंस होगा और सबको भी है कि बहुत ज्यादा नाश्ता हेवी हो गया तो एक प्रकार की सुस्ती आती है। जी बिल्कुल सही। तो हमको क्या है, दिन में बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, तो उस हिसाब से हमने प्रोटीन युक्त कैलोरी लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम लेने चाहिए और नाश्ते में हमने 150 से 200 का टारगेट रखना चाहिए बस। उसके बाद नाश्ते के बाद खाने में लेट है समझो 1-1.5 के बीच आप खाना, तो उसके बाद आपने 100 कैलोरी, क्योंकि शरीर को हमारे दो
घंटे के बाद कुछ ना कुछ चाहिए, हर दो घंटे में कुछ ना कुछ हमारे इंटेक बहुत जरूरी है, और वो इंटेक के थ्रू हमको हमारे ब्रेन को एक ऊर्जा मिलती है, ब्रेन को मिलती है, शरीर को मिलती है, तो शरीर फुर्तीला रहता है। जी। तो नाश्ते के बाद हमने 100 कैलोरी का कुछ तो भी लेना चाहिए, एक 11-11.5 के करीब एक आधा फल है या ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, एक हैंडफुल ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, उसमें भी 100 कैलोरीज मिलेंगे, फल में भी 100 से कम मिलेंगे। बाद में आप ये हो गए, मैंने 100 कैलोरीज हो गए, बाद में आपका आता है लंच का समय। तो लंच में मैक्सिमम आपने एक प्लान करना है, मैनेजमेंट करना है कि 500 कैलोरी हार्डली, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद भी बहुत ज़्यादा हेवी खाने से हमको सुस्ती आती है और दिन भर 2-3 घंटा सोने की आदत हो जाए। तो उसमें हमने 500 कैलोरी में कैसे कर सकते हैं, हम बहुत कुछ अच्छे से कर सकते हैं। पहले तो हम नाश्ते में 150 से, मैं आपको बताना चाहूंगी, 150 से 200 कैलोरी के बीच कौन से खाद्य पदार्थ बैठते हैं। तो उसमें एक मीडियम साइज का पोहा, उपमा, उत्तपम मीडियम साइज का, तो उतना सफिशियंट है हमारे लिए। डोसा है 150-200 कैलोरी, दो इडलीज है, उसल जो बोलते हैं स्प्राउटेड की उसल, बहुत सारे उसमें आप स्प्राउट, वो हेल्दी भी होता है, प्रोटीन सोर्स भी है और शरीर के लिए अच्छा, शरीर के लिए चीज है, बहुत कुछ उसमें चीजें है, फ्लेक्स है, कॉर्न फ्लेक्स है। और आजकल तो कैलोरीज और जो प्रोटीन की मात्रा है जो भी हम खरीदते हैं उस पर भी गवर्नमेंट ने भी उसमें नियम लगा कि उस पर वो मेंशन किए हुए होते हैं कि किस पदार्थ में कितनी कैलोरीज है। जी 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 बिल्कुल, आप उसमें ओट्स ले सकते हैं, ओट्स के बहुत सारे फॉर्म्स है, और आपको रियली वेट कम करना है, एखादे व्यक्ति का टारगेट है कि वेट बहुत कम करना है मुझे कम से कम, तो ओट्स ये शाम के लिए भी बहुत अच्छा है इंस्टेड ऑफ डिनर की बजाय, मतलब आप डिनर को ओट्स से रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं उसको थोड़ा, बहुत सारे वेजिटेबल डाल के, जो कि डिनर में हम 400-500 कैलोरी लेते हैं, तो ये ओट्स का 200 कैलोरी में बहुत अच्छे से आपका पेट भी भर जाएगा और आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा आपके बॉडी को, और बहुत सारे वेजिटेबल डाल के उसको काफी अच्छा बना सकते हैं, और कैलोरी बैलेंस भी हो सकती है। बाद में लंच के बाद समय आता है कि आपको चाय का समय हो जाता है, शाम की चाय, शाम, तो उसमें बहुत ये नहीं करना चाहिए कि 100-150 कैलोरी ठीक है, चाय के साथ कुछ ले लिया हल्का, वैसे तो न्यूट्रिशन बिस्किट्स को अवॉइड करते हैं ये, यस यस बिल्कुल, और करना चाहिए अच्छा। क्योंकि हम अभी जो खाते हैं इसके रिजल्ट हमारे बॉडी को हमेशा के लिए नहीं, बिल्कुल, ये तो हमारी आम धारणा है कि हमको आदत लग चुकी है शाम की चाय के साथ में बिस्किट्स लेना, तो ये तो अच्छी बात हो गई हमारे लिए कि एक अच्छी सीख मिल रही है यहाँ से कि आज के बाद में शायद हम उसको अवॉइड कर पाए, या लेना ही है आपको, एकदम हैबिचुअल हो गए, छोड़ नहीं पा रहे, तो हार्डली एक या दो, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पूरा पूरा बिस्किट का कैलोरी का विषय में बात करते समय ये भी होता है कि वो हमारे बॉडी को जैसे आदत होती है, जैसे हमको 4-5 रोटी खाने की, बहुत भरपेट खाने की आदत हो जाती है, तो वो भी एक रहता है। सपोज हमने उससे थोड़ा धीरे धीरे कम आए 5-4, 4-3, तो 3-2 पे आ गए एक मॉडरेट इस पे क्वांटिटी में, तो उसकी ही आदत हमारे बॉडी को होती है, ये बात निश्चित स्वरूप से मैं बताना चाहूंगी। बाद में जब आपको 2 रोटी खाने की आदत होती है तो तीसरी रोटी भी बहुत हेवी होने लगती है। तो ये कैलोरी के रूप में है, और मैनेजमेंट के विषय में कहना ये चाहती हूँ मैं कि चाय के बाद एकदम फिर शाम के समय आप कुछ भी ले सकते हैं 100 कैलोरी का, फिर से 2 घंटे में जी। स्प्राउटेड है, स्प्राउटेड का अच्छा वो बनता है कच्चे स्वरूप में, या चना है भिगाया हुआ उबला चना, जिसको कच्चे बगैर उसको कोई बिगर ऑयल के, बहुत अच्छे डिशेज बनते हैं। ऐसा नहीं कि कैलोरी मैनेजमेंट करना है यानी भूखे रहना है, ये मैं बड़े इससे कहना चाहती हूँ कि भूखे नहीं रहना है, हमको पेट भरना है, बस एक सेटिस्फेक्शन हमको किससे मिल रहा है ये हमको देखना है। बहुत सारी चीजें हम ले सकते हैं उसमें, दूध पोहा ले सकते हैं, दूध के साथ वो ओट्स ले सकते हैं, मूसली मिलती है
तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत न्यूट्रिशियस चीज़ है कि जो गेहूँ और ड्राई फ्रूट्स का, अच्छा सुबह ड्राई फ्रूट्स नहीं लिए तो शाम को ड्राई फ्रूट्स, सुबह फल नहीं लिए तो शाम के टाइम आप बिल्कुल मींस इवनिंग के पहले फ्रूट सजेस्टिव है जी, मतलब एक बार रात को आपने फ्रूट्स को अवॉइड करना है। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं कि आपको जो 6-7 बजे आप ले सकते हैं और रात के 8:30-9 के करीब आप खाना ले सकते हैं। उसमें बहुत कम प्रोटीन लेना है क्योंकि डाइजेशन के लिए रात में प्रोटीन की बहुत डिफिकल्टी हो जाती है पचन क्षमता, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे लेना चाहिए कि जिससे सुस्ती आती है, नींद आती है और रात भर में आपका शरीर बहुत तरोताजा, अच्छी नींद होने से हो जाता है। तो यही कैलोरी मैनेजमेंट, कैलोरी बैलेंस और कैलोरी मैनेजमेंट पर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भारती चोकलेन से। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में और थोड़ी सी जानकारी कैलोरी मैनेजमेंट की हम हमारे दर्शकों के साथ में साझा करें। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ में एनबीसी न्यूज पर। घंटे न्यूज देखने के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप। मोबाइल में 24 घंटे आपको मिलेगी राजनीति, क्राइम, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और मौसम समेत देश विदेश की तमाम खबरें। प्ले स्टोर पर जाकर ताजा खबरों के लिए इंस्टॉल करें एनबीसी न्यूज ऐप। Install the app now in BCN News। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन BCN News को YouTube पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर से एक बार दर्शकों का स्वागत है खास मुलाकात में। आज हम बात कर रहे हैं भारती चकोले काटे खाइन से, जो कि हमें समझा रही है कि कैलोरी मैनेजमेंट क्या होता है, कैलोरी बैलेंस क्या होता है। लेकिन इससे पहले हम फिर से आपसे पूछना चाहेंगे भारती जी, कि कैसे आपके जो परिचय के बारे में हम हमारे दर्शकों को और थोड़ा सा विस्तार से बताइए। परिचय के विषय में मैं बोलना चाहूँगी कि जॉब में लगे उसके बाद हमने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती रही, आती रही। तो अभी यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडीज में भी है और अच्छे मींस एमपीएससी का एक पेपर वैल्यूएशन हमने 3 साल तक हमारे सब्जेक्ट का बॉम्बे में किया है। ये भी अचीवमेंट ही है। जी जी, तो ऐसी काफी अपॉर्चुनिटीज आती रही और अभी 25 साल का कुल अनुभव हो चुका है, तो काफी जानकारी प्राप्त कर ली है। और अभी लॉकडाउन के पीरियड में यही चल रहा है कि कुछ सोशल अवेयरनेस के लिए हमारे सब्जेक्ट का और हमारे ज्ञान का दर्शकों तक उसका उपयोग हो। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो विषय में दर्शकों को, हमारे प्यारे दर्शक है कि उनको पता नहीं, जो विषय का नॉलेज नहीं, वो विषय उन तक विषय का नॉलेज पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि क्या है, हर चीज, हर विषय का ज्ञान सबको होना जरूरी नहीं है और रहता भी नहीं। मुझे भी कुछ विषय का ज्ञान नहीं है, जो कि जो मेरे सब्जेक्ट का ज्ञान, मैं उसका उपयोग समाज तक पहुंचाना चाहती। ये बहुत ही अच्छे उद्देश्य से हम बात कर रहे हैं। हमने ब्रेक पर जाने से पहले बात करी थी कैलोरी बैलेंस और कैलोरीज मैनेजमेंट की जी। और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया था कि सुबह के चाय से लेकर तो रात के खाने तक आपने किस तरह से उसको लेके चलना है। तो ये हाई कैलोरी के ऐसे कौन से खाद्य घटक है जिसका आप विश्लेषण करना चाहेंगी? देखिए दर्शकों, आपको मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ जो कि बहुत प्रचलन में है अभी, चीज बर्गर या पिज्जा। ये चीज बहुत अच्छी है, परंतु उसको भी हमने एक लिमिट में लेना चाहिए।
बहुत अच्छे प्रोटीन सोर्स है, पर वो ज्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये एक एनिमल प्रोटीन है जी। और एनिमल प्रोटीन ही ऐसा है कि जो डाइजेस्ट होने में थोड़ा हमारे बॉडी को डिफिकल्ट जाता है, और उसमें एक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी पाई जाती है। कोलेस्ट्रॉल दिन ब दिन बढ़ने की संख्या काफ़ी दर्शकों में रहती है, ये एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है कि कोलेस्ट्रॉल एकदम से बड़ा दिखता है। तो सबका कहना ऐसा है कि कोलेस्ट्रॉल किससे बढ़ता है, सबसे पहले तो ध्यान में रखने लायक ये बात है कि प्लांट से हमारा कोलेस्ट्रॉल, प्लांट जो खाद्य पदार्थ है, जो नैसर्गिक है, उनसे कभी भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है। हमारा कोलेस्ट्रॉल बस एनिमल फूड से बढ़ता है, चाहे वो घी हो, चीज हो, दूध, या उसको लिमिट में लेना चाहिए। ये चीज़ें बहुत अच्छी है, एनिमल प्रोटीन बहुत अच्छा है, मीट अच्छा है, एक मांस, ये सब रेड मीट भी अच्छा है, पर उसको हमने उसकी मात्रा का ध्यान रखना लिमिट में लेना चाहिए बहुत। तो ये चीजें हैं। तो इसमें दो प्रकार की चीजें हम लेते हैं कि पहले कैलोरी लेते हैं, तो एक पोषण युक्त कैलोरी लेते हैं, दूसरी कैलोरी लेते हैं हम अपनी पेट भरने के लिए कैलोरी लेते हैं, जिसमें पोषण बहुत साधारण से मात्रा में होता है। जैसे आप पिज्जा का नूडल्स बहुत खा रहे हैं, बर्गर बहुत खा रहे हैं, या चाइनीज आइटम बहुत खा रहे हैं, बेकरी आइटम बहुत ज्यादा जी जी, बहुत यंग जो किड्स है, यंग जनरेशन है, उसके बहुत ज्यादा एडिक्ट हो चुकी है, तो ये सब चीजें, और उनका पेट सैंडविच, बर्गर और ये सारी बेकरी आइटम, बहुत अच्छे अच्छे बहुत हेवी ट्रांसफैट वाले जो फूड आइटम्स है, जो मार्केट के तले हुए है, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांसफैट होता है, तो वो एक हाई कैलोरी वाले प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है। जो अब ये हाई कैलोरी वाले जो फूड प्रोडक्ट हो गए, इससे तो कहीं ना कहीं हानि भी हो सकती है अगर हम सही मात्रा में इसका यूटिलाइजेशन नहीं करें तो। नहीं करें तो ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ है जिनमें कैलोरीज लो होती है, वो भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और ये सबकी नीड है जी। कि कम कैलोरी वाले, तो कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ, फ्रूट्स सबसे पहले जी, वेजिटेबल बहुत कम कैलोरी, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट वेजिटेबल जो भी है, वेजिटेबल्स कैटेगरी में जो भी आते हैं, सब उसमें कम कैलोरीज होती है। और ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ है बने हुए, जिसमें भी जैसे इसके पहले मैंने उसका उल्लेख किया है कि पोहा, ये जैसे एक चपाती ले, दो चपाती में आपको 100 कैलोरीज मिलेगी, खाने के समय आपने उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। एक दाल कटोरी में 100 कैलोरीज मिलेगी, यानी 300 हुई। एक कटोरी अच्छी भरी परी सब्जी जो कम तेल की, उसमें 100, यानी अच्छा ये हो गया 400 कैलोरी होगी। फिर आपने एक कटोरी चावल ले लिया फॉर द सेटिस्फेक्शन, एक्चुअली नहीं लिया या लिया तो भी ठीक है, कि तो उससे 100 कैलोरीज मिल गई। 500 कैलोरी में हमारा अच्छा प्लानिंग हो सकता है, जो कि हम जनरली करते नहीं करते। 700-800 कैलोरी लेते बैठे चावल के बाद, 100 कैलोरी चावल लेने से 100 कैलोरी दही हमने ले लिया एक कटोरी इंस्टेड ऑफ चावल, तो पेट भी भरेगा हमारा, बैलेंस भी हो जाएगा और न्यूट्रिशन भी मिलेगा, क्योंकि चावल से हमको ओनली कार्बोहाइड्रेट्स मिलने हैं और थोड़े प्रमाण में विटामिन बी मिलने हैं, परंतु दही में हमको प्रोटीन भी मिलेगा, विटामिन बी भी मिलेगा, सी भी मिलेगा, सभी पोषक तत्व उसमें मिल जाएंगे। तो हमने ये सोचना चाहिए कि हमने कैलोरी युक्त पदार्थ लेना चाहिए, बट पोषण होना चाहिए उसमें, न्यूट्रिएंट होना चाहिए, और उसका चयन करना यही स्मार्टनेस है कि कौन सा पदार्थ किस वक्त लेना चाहिए। स्मार्ट फूड लेना चाहिए, स्मार्ट फूड लेना पड़ेगा हमको। जब स्मार्ट बनना है, ये कंपटीशन के इसमें हमको तैरना है, तो हमने जरूर स्मार्ट फूड की चॉइस करनी चाहिए। बिल्कुल, और कैलोरी का जो उसमें बड़ा ध्यान रखना है, कम कैलोरी में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स किस चीज में मिलते हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमारी बात हो रही थी, आपने कहा था कि जो लोग अपने वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, या जो जिनको ऐसा लगता है कि मोटापा बढ़ रहा है या कम ज्यादा हो रहा है, तो कैलोरी की जो कैलोरी और ये वेट जो है, इसका आपस में कोई संबंध ऐसा डायरेक्ट होता है?
जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कैलोरी लेने से ही, कैलोरी कितनी ले रहे हैं, बहुत किस खाद्य पदार्थ से ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं कि नहीं, न्यूट्रिएंट युक्त कैलोरी है कि नहीं, इसके ऊपर भी हमारा वेट एक बैलेंस होता है। और मोटापा कम करना ये हमारे समय के साथ बहुत बड़ी जरूरत है, उसको बैलेंस। मोटापे में एक मॉडरेट वेट होता है, दूसरा स्थूलता का होता है, यानी नॉर्मल वेट से 10 किलो सपोज आपका वेट ज्यादा आ रहा है तो वो स्थूल व्यक्ति समझा जाता है, परंतु उससे भी ज्यादा 10 किलो बढ़ा मिल रहा है आपका वेट तो वो ओबेस हो रहा है, ओबेसिटी हो रहा है, और उससे भी और 10-20 किलो ज्यादा हो रहा है उसका वेट, यानी BMI के तौर पर, तो वो हाई ओबेस हो रहा है, यानी ओबेसिटी स्थूलता तक ठीक है, उसके बाद से हमने कंट्रोल करना चाहिए कि हम ओबेस तक नहीं पहुंच रहे। और ओबेस तक पहुंचे ने बहुत रोगों को हम निमंत्रण दे रहे हैं नेचुरली हमारे शरीर को, क्योंकि शरीर एक यंत्र है जी। हमने ये जैसे हम फ्यूल डालते हैं गाड़ी चलाने के लिए, पेट्रोल डालते हैं जी। तो वो पेट्रोल में थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो गाड़ी रुक जाती है जी, सही बात की, पेट्रोल खत्म अच्छा हुआ तो गाड़ी रुक जाती है, पेट्रोल फॉल्टी रहा तो गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आते हैं। तो शरीर रूपी इस यंत्र को चलाने के लिए हमें अच्छी कैलोरीज लेना चाहिए, जो कि हमारे विकास के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारी प्रगति के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। कैलोरीज की जो डिमांड रहती है दिन की और रात की है, मतलब जैसे हम एक साइकिल पकड़ ले कि जब हम रात को तो सो जाते हैं, लेकिन जब हम जागते हैं तो सोने के समय तक, जैसे जैसे समय बदलता है तो कैलोरी की डिमांड भी उसी हिसाब से बदलती है। जी हाँ बिल्कुल, कि सुबह हमने थोड़ा हेवी खाना लेना चाहिए, वो कहते हैं इंग्लिश में भी बोला है, कहावत है कि ब्रेकफास्ट लाइक एक राजकुमार की तरह, लंच लाइक सो एंड डिनर लाइक बेगर। तो ऐसा है कि शाम के समय हमने बहुत कम कैलोरी लेना चाहिए। बहुत कम, एक तो बहुत पहले शाम के समय 8-9 के पहले आपका खाना हो जाना चाहिए, कि वो शरीर को पर्याप्त समय मिलना चाहिए कि वो जो खाया हुआ भोजन पचाने के लिए कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए। जी जी जी, ये बात सही है, कहीं ना कहीं हम लोग रात का खाने के बाद में फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ कोई ध्यान नहीं देते और वो कैलोरीज जो है उसका बर्न होना, जो उसका ज्वलन होना है वो नहीं होता, इसलिए ये एडवाइजेबल है कि हम रात में कैलोरीज युक्त तो खाना जो है कम करें, एक बैलेंस डाइट हमको लेनी चाहिए। क्वालिटी कैलोरीज के बारे में जरा बताइए हमारे दर्शकों को। ऐसा है कि क्वालिटी मीन्स वही जो मैंने इसके पहले उल्लेख हो चुका है कि क्वालिटी कैलोरी यानी अच्छे चीजों से मिलने वाली हाई कैलोरीज, जैसे ड्राई फ्रूट है फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, कि कई दर्शकों का हमारे फ्रेंड्स का कहना है कि ड्राई फ्रूट से वेट बढ़ता है, इससे वेट बढ़ता है, कि हमने ये ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। नहीं खाने चाहिए ड्राई फ्रूट्स, एक हैंडफुल ड्राई फ्रूट्स आप डेली ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम उसमें सभी ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा थोड़ा यूज करना चाहिए, जैसे 4 बादाम, 2-3 काजू, अखरोट, पिस्ता, ये 2-3 ऐसे खुबानी है बहुत अच्छी चीज़ें, खारिक है उसमें, नट्स ले सकते हैं आप, बहुत ये सब चीज़ों से अच्छी कैलोरी आपको सोर्स मिलेगा, यानी क्वालिटी कैलोरीज ये बोलते हैं। फलों में जैसे एक तौर पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आम से बहुत वेट बढ़ता है जी, आम खाने से, अभी तो और सीजन भी चल रहा है आम जी का। जी, तो ऐसा नहीं है, आम खाना चाहिए, जरूर खाना चाहिए, जब भी वो हाई कैलोरी होगा तो भी वो सब हमारे यूज में, सभी फलों का अच्छे से यूज होना चाहिए। केले के बारे में थोड़ा सा ये है कि हाई कैलोरीज है, यानी 100 ग्राम केला में 116 कैलोरीज होती है, हाईएस्ट कैलोरीज होती है फलों में, वो बहुत हाईएस्ट कैलोरी। उसके बाद अंगूर और जो अपना ये चीकू एग्जैक्टली चीकू, और उसके बाद आम का नंबर आपके आता साथ में बैठ के मैं कुछ सीख गया जी। उसके बाद आम का नंबर आता है, तो भी आम बहुत बदनाम हो चुका है चीकू से भी, क्योंकि
मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक अज्ञान है समाज में, वो समझ की कमी है कहीं ना कहीं, समझ की सही जानकारी की कमी होती है। और यही हम दर्शकों को कोशिश कर रहे हैं कि सही जानकारी हम आप तक पहुंचाए। डॉक्टर भारती जो है हमारे साथ में वही इन्फॉर्मेशन साझा कर रही है। चूंकि हमारे पास में डॉक्टर साहिबा समय की भी थोड़ी सी कमी रहती है, चलते चलते मैं आपको एक सवाल, अहम सवाल पूछना चाहूंगा, ऐसे क्या तत्व होते हैं जो इन कैलोरीज के ऊपर में प्रभाव डालते हैं? जी, कि कैलोरीज लेना कितनी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि 1901 लेडीज को, नॉर्मल लेडीज को लगती है जी, और उसके अनुसार हम एक चेंज करते हैं। हमको वेट कम करना है तो कभी कभी हम 1200 से 1500 ला सकते हैं, बढ़ाना है तो कैलोरी बढ़ाइए, और ये चीज़ें इसी पे होती है कि हमारी एज कितनी है, ये घटक प्रभाव करता है। लिंग के कौन सा है, हम स्त्री है पुरुष है, हमारे का एज क्या है, काम का स्वरूप क्या है, हमारे हम जहाँ रहते हैं वहाँ का एटमोसफियर कैसा है, मीन्स हवामान कैसा है, ठंडा है गर्म है, या हमारी स्थिति कैसी है, जैसे प्रेगनेंसी में लगता है ज़्यादा कैलोरीज लगती है, उसके बाद स्थिति का सवाल जहाँ आता है कि हम फिट है कि नहीं, नॉर्मल है कि नहीं, मीन्स हम इलनेस में ज़्यादा कम कैलोरीज लगती है, हम व्यक्ति सपोज बीमार है तो बीमार व्यक्ति को एक्टिविटी कम होती है, उसको शरीर पचाने में पचन संस्था भी थोड़ी नाजुक हो जाती है उस समय, तो उसको कम कैलोरीज लगती है, और एक एक्टिव व्यक्ति को ज़्यादा कैलोरीज लगती है। तो इस प्रकार या एज के अनुसार ओल्ड एज में कम कैलोरीज लेनी चाहिए कि जो कि सहज उसका पचन होना चाहिए। दर्शकों हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर भारती चकोले काटे खाइनों से, इनके साथ में इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से कैलोरी मैनेजमेंट, कैलोरी बैलेंस और हमारे जीवन में कैलोरीज का क्या महत्व है इसको समझाने की बहुत ही सुंदर तरीके से कोशिश की है। इस वक्त देश पूरा विश्व जो है इस वक्त कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है, ये हमारे लिए बहुत अहम होता हो सकता है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें, जो भी खान पान हम करते हैं उस खान पान में इस कैलोरी मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करें, इसको समझे, इसके पीछे के साइंस को हम समझे, जो बात डॉक्टर साहिबा ने हमें बताया उस पर गौर करें, तो एक बेहतर जिंदगी आने वाले समय में हम जरूर गुजार सकते हैं। कोरोना की इस महामारी में भी हम दर्शकों से गुजारिश करेंगे, आप घर में रहे, स्वस्थ रहे, देश की सेवा आज यही है कि आप अपने आप को लोगों से अलग रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और खुद का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिब आपका, धन्यवाद, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।